तो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करें, कहां तक चेक करें और अगर क्या है पोजीशन। ठीक है, 2025-24 का तो कोई नोटिस ही नहीं है, जो हम लोग अप्लाई किए हैं उसका क्या हाल है। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले एक भी बार नहीं किए हैं कि कैसे चेक करते हैं तो इस वीडियो में सीख जाइएगा पूरा सब कुछ। ये बहुत हंस रही है यार, क्या बात है। ठीक है, ये मास्क लगा लिए और ये हंस रहे, वाह। चलिए, आधा आदमी रूल फॉलो करो तो मेडिकल रूल है कुछ लोगों का, चलिए छोड़िए, जो भी है देख लेते हैं। तो कुछ ने चेहरे पे नकाब लगाया ना। सबसे पहले आपको आना है गूगल, सीखिए। ठीक है, सीखिए, नया चीज सीखिए। गूगल आना है और यहाँ पे सर्च करना है ई कल्याण। क्या सर्च करिएगा? ई कल्याण, जो आप लोग का कल्याण करेगा, ई KLYAN। ठीक है, ई कल्याण लिख के आपको सर्च मारना है आपके मोबाइल पे, गूगल पे, क्रोम ब्राउजर पे। जब सर्च मारिएगा तो इस टाइप से आएगा, ई कल्याण लिखा हुआ, इस पे आपको क्लिक करना है और कुछ देर बाद इसका वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको इस पे आना है स्टूडेंट लॉगिन पे, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट कीजिएगा। अब आपको जो है यहाँ पे दो ऑप्शन देगा, पहला है मोबाइल से आप लॉगिन कीजिए, दूसरा है ईमेल आईडी से। ठीक है, अगर आपको मोबाइल नंबर याद है तो मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड दे दीजिए। पासवर्ड बोलिएगा तो हम भूल गए, और आप में से 100 में 80 का आदमी अपना पासवर्ड भूल चुका होता है। ठीक है ना, सही बोल रहे हैं ना, भूल जाते हैं आप लोग बुढ़ नहीं तो। पासवर्ड लिख के रखा कीजिए, मोबाइल में फोटो खींच के रखा कीजिए। चलिए अभी बताता हूँ, पासवर्ड भूल गए तो कैसे लाइएगा। मोबाइल नंबर नहीं काम कर रहा तो ईमेल आईडी दीजिएगा। ठीक है, अब जिनको पासवर्ड नहीं जब मालूम है वो यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक वेबसाइट खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट पे क्लिक कीजिएगा, ये कैंडिडेट पे। ठीक है, कैंडिडेट पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है एंड गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, नया पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मतलब आपको आपका पासवर्ड पता चल जाएगा। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यार, मुझे ना नींद लग रहा है, मालूम नहीं आजकल मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ। लगता है कि यार लाइफ में इतना फेलियर देखने के बाद ना लगता है कि साला कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, और ठीक है बहुत खराब फील होता है कि अभी तक कुछ नहीं कर पाया है, आगे भी कुछ कर पाएंगे या नहीं। चलिए, एक समय के बाद आदमी को बहुत तकलीफ होता है अगर उसको सक्सेस नहीं मिलता है तो। चलिए, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड देना है और उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक कैसे करना है। अब देखिए इस तरह से आपका पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पे आपके सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे एंड इधर आपका रिजेक्शन का लिस्ट रहेगा, अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है किस सेशन में आपने अप्लाई किया है। अगर 23-24 में अप्लाई किया है तो यहाँ से चेक कीजिएगा, और 24-25 का अप्लाई ऑनलाइन का अभी तो नहीं निकला है। ठीक है, तो जैसे 23-24 में आप लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो स्टेटस कहाँ से चेक कीजिएगा पहले वो बता देता हूँ। बाकी प्रिंट आउट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है, और दिखाता हूँ यार, सिक्योरिटी पर्पज के कारण मैं थोड़ा सा इसको हाइड किया हूँ। ठीक है, देखिए आपके फोन में इस टाइप से शो करेगा, ये तो लैपटॉप है मेरा, आपका फोन में इस टाइप से शो करेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन स्टेटस का। ठीक है, सबसे पहले रहेगा होम, दूसरा है मोबाइल अपडेट करने का, तीसरा है आपका आधार अपडेट करने का, आप चाहे तो अपडेट भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका एप्लीकेशन स्टेटस, आपको इसी पे क्लिक करना है और आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे अकेडमिक ईयर पूछेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 24-25 सेलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आप 23-24 वाला देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, तीनों साल का दिखा जाएगा। ठीक है, लास्ट थ्री ईयर का यहाँ पे शो करता है, तो जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं 24-25 का। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आपका एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से दिखेगा और यहाँ पे स्टेटस लिखा रहेगा अप्रूव्ड बाय DNO ऑफिसर। ठीक है,
अप्रूव्ड बाय एडीओ ऑफिसर और अप्रूव्ड बाय डीए ऑफिसर। लास्ट जब आपका दिखाएगा अप्रूव्ड बाय डीए ऑफिसर, ठीक है, तब आपका पेमेंट आपका एक महीना या दो महीने के अंदर आ जाएगा, जब आपका डीए ऑफिसर तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अगर रीजन लिखा हुआ आ जाता है, जैसे रेड कलर का कुछ रीजन वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो आपको क्या शो करेगा और पेमेंट आ जाएगा तो कैसे शो करेगा। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, पेमेंट आया हुआ, ठीक है, जो कि पेमेंट मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब आपका पेमेंट आ जाएगा तो कुछ इस टाइप से लिखा रहेगा, फाइनल अप्रूव बाय एए ऑफिसर, ठीक है। एए ऑफिसर जब आ जाएगा तभी आपको पैसा मिलेगा। फाइनल किसके द्वारा होता है? डबल ए ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, ऑडिट ऑफिसर होते हैं ये, तो डबल ए ऑफिसर के द्वारा जब फाइनल हो जाता है तब आपका पेमेंट किया जाता है। पेमेंट का डेट लिखा होता है, बैंक का नाम, किस अकाउंट में जाता है उस अकाउंट का अकाउंट नंबर, और फिर आपका कितना अमाउंट भेजा गया है वो अमाउंट यहाँ पे शो करता है, ठीक है। ये हो गया। अब कोई किसी का रिजेक्ट हो जाता है कोई भी, तो जानिएगा कैसे। यहाँ पे तो लिखा रहेगा रीजन, ठीक है, रीजन रिजेक्टेड लिखा रहेगा, और उसको सॉल्व कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक्शन का बटन आ जाएगा जिसका रिजेक्ट रहेगा, और अगर आपको जानना है रिजेक्शन के बारे में डिटेल से, तो चलिए थोड़ा सा बैक चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सॉरी दोस्तों, लॉग आउट हो गए। बाकी वहीं पे एक रिजेक्शन लिखा हुआ था रेड कलर में, इस साइड में देख लीजिएगा, ठीक है। तो जिनका पैसा आ जाएगा उन लोग चेक कर लीजिएगा, और जिनका नहीं आया उन लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। और बाकी इस साल कब भराएगा तो देखिए, झारखंड में कुछ भी फिक्स नहीं है, हम लोग यमराज के राज्य में जन्म लिए हैं और क्या बोलेंगे, ठीक है, वैसे भी जिंदगी बर्बाद लग रहा है वो हम लोग को। और जब भी कोई नोटिस आता है, नया नोटिस, तो यहाँ पे आपको शो करेगा। देखिए एक है प्रेस पोस्ट जो मैट्रिक नियमावली है, यहाँ पे शो करता है। और जब भी कोई नया नोटिस आता है ना, तो आपको यहाँ पे शो करेगा। ये लेटेस्ट न्यूज देख रहे हैं, हाँ ये तो लेटेस्ट न्यूज है, वो मूवी में बोलता है ना, ये तो लेटेस्ट न्यूज है तो यही है आपका लेटेस्ट न्यूज, ठीक है, यहीं पे मिलेगा। जब भी कोई नया नोटिस आता है तो यहीं से मिलेगा लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। चलिए जो भी है, और क्या बताएंगे, लाइफ बहुत अभी हार्ड चल रहा है। हाँ, दिवाली आ गया है, जुआ मत खेलिएगा भाई, जितना जुआ खेलिएगा उतना से मिठाई खरीद के बांट दीजिएगा दोस्तों में। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्या बोलेंगे, जुआ मत खेलिएगा, बाकी आप लोग मानिएगा तब तो।